अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं बना रही हूँ बैगन का रायता, जो कि वो मेरी मम्मी बनाती थी, बहुत मज़ेदार लजीज होता था ये। पहले मैंने ना बैगन गोल गोल स्लाइस में काट के ना मैंने इनको फ्राई कर लिया बहुत हल्के से घी में। ये खुद से इन्होंने ना बाद में घी छोड़ा है, ठीक है। जब ये ऐसे गोल्डन ब्राउन हो जाए और सब अच्छे से पक जाए, गल जाए, तो फिर आपने इनको उतार लेना। ये इसकी फाइनल लुक है। और दूसरी तरफ से मेरे पास यहाँ दही, ये देखिए। अच्छा ये देखो, ये मैं बैगन उतार रही हूँ यहाँ पर। ये जो बैगन जो डन रेडी हो गए ना, वो मैं उतार रही हूँ उनको। अच्छा, अब मैं इनको पलट रही हूँ। और ऑयल मैंने बहुत हल्का डाला था, ये मैंने कुछ ऑयल छोड़ा था। बैगन ना पहले पहले ऑयल बहुत ज़्यादा ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और फिर बाद में एकदम इतने सारे उनके अंदर ऑयल होता है, कुछ कहने की लगती। इसीलिए मुझे बैगन जो है वो बहुत हल्के घी में, कम घी में फ्राई करना पसंद है। तो जब भी आपके बैगन भी इसी तरह तैयार हो जाए, ये डन हो गया, ये आपने उतार लेंगे। ये हल्का सा यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ये कम्प्लीट हो गया। अच्छा जी, ये तब तक कंप्लीट होते हैं, थोड़े गोल्डन ब्राउन होते हैं। दूसरी तरफ से फेटी है, दही नहीं, दही, हाँ दही, दही खूब अच्छे से इसको फेट लिया मैंने। इसके अंदर अब आपने शामिल करना है नमक और सुर्ख मिर्च पाउडर। ये इसमें मैंने नमक डाल दिया हसबेंड जायका, और अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। सेम फ्राई पैन है जिसके अंदर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बैगन फ्राई किए थे, और अब मैं इसके अंदर फ्राई करूंगी आलू। जब ये आलू फ्राई हो जाएंगे, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, फिर हम इनको निकाल लेंगे और बारी बारी बाकी के आलू भी फ्राई। आलू मैंने फ्राई करके इसमें मिक्स कर दिए, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी बैगन को। ये सब जो है बैगन और ये आलू, इस दही का जितना भी जो हल्का सा सॉफ्टनेस है ना, वो सारी ये लोग पी जाएंगे, और ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा। इसमें मैंने पानी तो खैर नहीं मिलाया था, इसको बस फेटा था, तो ये इस तरह पतला हो गया था, तकरीबन दही ऐसा ही था, ठीक। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का। अच्छा ये सेम फ्राई पैन है, इसके अंदर बस मैंने ये जो है ये निशानात है, बस बैगन फ्राई किया था इस वजह से। अब इसमें मैंने ऑयल कम कर दिया, और मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। जीरे के साथ ही हमने इसमें गोल मिर्चों को क्रैक करके डाल देना फाड़ फाड़ के, और अब मैंने फ्लेम भी ऑफ कर दी है बस। ये आपका तड़का तैयार हो गया, और अब ये जाएगा इसके अंदर। ये आपका मज़ेदार रायता तड़के वाला तैयार है। इसके ऊपर हम छिड़केंगे थोड़ा सा, इसके अंदर अब मैं छिड़क रही हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर फॉर द टेस्ट। और इसके अंदर ना वो ग्रीन ग्रीन पत्ते नहीं होते, कड़ी पत्ते ना, इसके अंदर मजीद खुशबू आती है, खट्टी खट्टी कड़ी पत्ते की ना तड़का लगता है साथ ही, क्योंकि वो यहाँ पाकिस्तान में फ्रेश मिलता नहीं है, सूखा हुआ होता, लेकिन उसकी इतनी खुशबू नहीं होती। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा खुश्क पुदीना, जो कि मैंने खुश करके रखा हुआ है, इसको मैं कर दूँगी चूरा, उसकी भी खुशबू अच्छी हो जाएगी।
और ये कर दिया मैंने गार्निश। ये आपका मज़ेदार रायता तैयार है, रोटी के साथ खाएं बहुत मज़ेदार लगता है। ये बहुत मज़ेदार है। अभी हम खाएंगे बाद में। अब मैं इसको रख देती हूँ फ्रिज में ढककर।